हेलो दोस्तों, आजकल ओबेसिटी एक मेजर हेल्थ इश्यू हो गया है और इससे हर एज के लोग अफेक्टेड हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी देता है क्योंकि ये फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से आपको स्ट्रेस देता है। आपको अच्छे नहीं दिखते तो फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। मैं हूँ डॉक्टर अंजल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी या फिर ओवरवेट या फिर इंक्रीज बैली फैट, इसके बारे में। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आपको बैली फैट जो है या फिर ओबेसिटी है या ओवरवेट जो आपका है, इसे कम करने की क्यों ज़रूरत है। आइए जानते हैं व्हाट आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी में हम देख सकते हैं कि पेशेंट को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, बीपी हाई रह सकता है, डायबिटीज टाइप 2 हो सकता है, हार्ट और आर्टरीज से रिलेटेड डिसीजेज हो सकते हैं क्योंकि फैट जो है आपकी आर्टरीज को क्लॉक कर सकता है या वेंस को क्लॉक कर सकता है। स्ट्रोक का कारण भी हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं जो ओबीस होते हैं लोग, और ज़्यादा चलने फिरने में उनकी सांसें फूलने लगती हैं। फैटी लीवर की समस्या हो सकती है, ओवरवेट होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो सकती है क्योंकि जॉइंट्स इतना वेट नहीं कैरी कर सकते। फीमेल्स में ज़्यादातर देखा जाता है कि ओबेसिटी की वजह से इनफर्टिलिटी और PCOS की समस्या हो सकती है। तो यही सब कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लगते हैं। तो समय रहते ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए और अपना वेट जो है कंट्रोल में करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि वेट बढ़ क्यों जाता है। हमारी कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिसकी वजह से वेट इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि एक्सेसिव कैलोरी इनटेक, मतलब कि डाइट में हम अगर अनवांटेड चीज़ें जो कि आपको नुकसान करती हैं, फैट फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं और सुगरी बिवरेजेस हो गई, प्रोडक्ट्स जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस का ज़्यादा यूज़ होता है, प्रोसेस्ड फूड या फिर पैक्ड फूड आप लेते हैं, तो इस कैलोरीज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सभी आपके मेटाबॉलिज्म को डाउन कर देते हैं क्योंकि इसे डाइजेशन करने में आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एज अ रिजल्ट मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। है कि अगर आपका जो एनवायरमेंटल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर ऐसा है, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डिप्रेस होने के बाद बहुत ज़्यादा फूड इंटेक करने लग जाते हैं, चॉकलेट्स खाने लग जाते हैं, तो इस तरह की हैबिट्स जो होती हैं वो भी कंट्रीब्यूट करती हैं ओबेसिटी के लिए। में ये जेनेटिक भी हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स पहले से हेल्दी थे बहुत ज़्यादा, तो फिर बच्चों का भी ऐसा होना लाजमी है। तो ये कुछ समस्याएं जेनेटिक भी हो सकती हैं कि आपका बिल्ड ही ऐसा है, फिजिक ही ऐसी है। तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से भी पेशेंट का वेट बढ़ने लग जाता है, जैसे कि अगर थायराइड डिस्फंक्शन हो तो उस केस में, या फिर डायबिटीज़ में जैसे कि इंसुलिन जो है वो काम ना कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो है वेट बढ़ता है। कुछ मेडिकेशंस और डिसीजेज भी होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं ओबेसिटी को, जैसे कि मेडिकेशंस में अगर पेशेंट OCP लेता है, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और स्टेरॉइड्स पे है, किसी बीमारी में आपको यूज़ करना पड़ रहा है स्टेरॉइड, तो फिर ये भी आपके वेट को गेन करवाता है। और यदि डायबिटीज़ में आप इंसुलिन यूज़ करते हैं तो ये भी वेट गेन के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट है स्लीप डिप्रिवेशन, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो भी आपकी बॉडी वेट गेन करने लग जाती है। तो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ भी ओबेसिटी को कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब हो गए कॉजेस। अब हम जानते हैं कि किन चार फैक्टर्स पे आप काम करके अपनी जो ओबेसिटी है उसको कम कर सकते हैं। तो जो पहला है डाइट, आपको अपनी डाइट को हेल्दी बनाना है, ज़्यादा फाइबर फूड लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां और फल शामिल करनी है अपनी डाइट में, और साबुत अनाज का यूज़ करना है, प्रोसेस्ड फूड और फैटी फूड और जो भी पैक्ड फूड है इसको अवॉइड करना है, सुगरी बेवरेजेस बंद करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वाटर का इंटेक बढ़ाना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, आपको अपनी जो डेली रूटीन है उसको एक्टिव रखना है, और बहुत एक्टिव रहते हुए आपको एक्सरसाइजेस भी करनी है जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं फैट को बर्न करने में। है कि रिलैक्स करिए, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ने की संभावनाएँ रहती हैं क्योंकि स्ट्रेस में हम ऐसे काम करते हैं, कुछ ना कुछ कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, और कैसे भी बस काम चलाने की कोशिश करते हैं जो कि आपकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है। तो आप उसके लिए योगा करिए, मेडिटेशन करिए, तो ये चीज़ आपको रिलीफ करेगी और आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है स्लीप, आप पर्याप्त नींद लीजिए, और देखिए अगर आपका मन प्रसन्न रहेगा तो आपकी बॉडी भी। अल्कोहल लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं तो इसे क्विट करने की कोशिश करिए क्योंकि इसका कहीं भी आपको बॉडी पे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखाई देता।
तो दोस्तों आइए जानते हैं अब होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन आप यूज करके अपना वेट जो है तेजी से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों तो पहली मेडिसिन है कालकेरिया काल। तो दोस्तों इसका जो पेशेंट होता है यानी कि जिसे ये मेडिसिन चाहिए वो फैट फेयर और फ्लैबी होता है। फैट है ज़्यादातर आपके बैली एरिया एब्डोमिनल एरिया पे जमा हो जाता है और मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो रहता है और जब व्यक्ति सोता है तो उसको गले और सिर में बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ठंडी हवा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कालकेरिया काल का पेशेंट होता है उसे एग्स बहुत पसंद होते हैं और ऐसी चीज़ें हमेशा ढूंढता रहता है कि जो डाइजेस्ट नहीं होती वही चीज़ उसे पसंद होती हैं जो इजी डाइजेस्ट नहीं होती जैसे कि चॉक क्ले पेंसिल्स एक्सेट्रा और इन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है। उन लोगों को बेस्ट सूट करती है जो थायराइड से पीड़ित हैं और उसकी वजह से उन्हें मोटापा आ गया है। तो यदि आपको ये मेडिसिन सूट करती है तो आप इसकी 200 पोटेंसी ले सकते हैं। इसको वीक में 3 times ही लेना है। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप लेंगे इसकी 4 बूंदें अपनी टंग पे। आज लिया तो 1 दिन छोड़कर फिर आप लेंगे, फिर 1 दिन छोड़कर, अल्टरनेट डे आपको यूज़ करनी है तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट मेडिसिन की बात कर लेते हैं नेट्रोम्यू। ये उन लोगों को रिकमेंड की जाती है जो लोग अदर बॉडी पार्ट्स की अपेक्षा बटक्स और थाई पे वेट गेन कर लेते हैं, तो ये इन पे बहुत अच्छा काम करती है। जो लोग लंबे समय से स्ट्रेस और डिप्रेशन में हैं और उसके कारण उन्होंने वेट गेन कर लिया है तो नेट्रोम्यून यूज़ कर सकते हैं। हीट बर्दाश्त नहीं होती, इनटॉलरेबल टू हीट, उन्हें जरा से भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे जैसे सन बढ़ता है उनकी परेशानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। जो लोग ज़्यादा एनिमिक भी हैं उन पर भी नेट्रोम्यून ज़्यादा सूट करती है। उन्हें एक क्रेविंग रहती है सॉल्टी फूड्स की, बहुत ज़्यादा नमक की क्रेविंग रहती है, हर चीज़ में नमक डालकर वो खाते हैं, इतना ज़्यादा उन्हें नमक पसंद होता है। और यदि ये व्यक्ति की दुखी हो गया तो ये अकेले रहना पसंद करेगा, कोई उसे कंसोल करने जाएगा तो वो और गुस्सा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पर्सनैलिटी इस मेडिसिन से मैच करती है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी आपको 30 पोटेंसी लेनी है सुबह और शाम, 2 times आप इसे लेना है, 2 बूंद अपनी टंग पे लेंगे, आपको 1 हफ्ते में ही अपनी बॉडी में लाइटनेस फील होने लगेगी। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं माइकोपोडियम। मेडिसिन जिन्हें सूट करती है इनके भी थाइस और बटक्स पे बहुत ज़्यादा फैट होता है। इनके पेशेंट्स होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, उन्हें हार्ट बर्न की गैस की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, उन्हें फ्लैशुलेंस होना और कॉन्स्टिपेशन होना आम बात है। तो जो लाइकोपोडियम जैसे चाहिए होती है वो पेशेंट ऐसा होता है कि उसे मीठा खाना बहुत पसंद होता है और गरम गरम खाना चाहता है और सर अक्सर वो अपनी डाइट से ज़्यादा ही भूख से ज़्यादा ही खाना खा लेता है, ये ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमिन और वेट गेन का कारण बनती है। मेंटली भी जान लेते हैं इस व्यक्ति को, ये ऐसा होता है कि इसे गुस्सा दिलाना बहुत आसान होता है, बहुत इरिटेबल होता है, अगर आपने थोड़ा सा भी कॉन्ट्रा इंडिकेट किया या अपनी उसकी बात काटी तो वो गुस्से से फट जाता है। तो यदि आपकी पर्सनैलिटी इससे मैच होती है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसको आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है और इसे आप अर्ली मॉर्निंग डेली इसकी 1 डोज ले सकते हैं। खाली पेट आपको लेनी है और आधे घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। अगर आपकी पर्सनैलिटी इससे मैच करती है तो आप इसे यूज़ करिए। विद इन 1 week आपको अपने गैस्ट्रिक ट्रबल्स और डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगेगा और आपकी बॉडी हील करने लगेगी और जो ओबेसिटी है वो इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म के साथ साथ कम होने लगेगी। मेडिसिन की बात कर लेते हैं दोस्तों नक्सवोमिका। नक्सवोमिका बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देती है। जो नक्सवोमिका का पेशेंट है वो अपनी आदतों की वजह से भुगतता है, यानी कि उसे सीडेंट्री हैबिट्स पसंद होती हैं या सीडेंट्री लाइफ स्पेंड करता है जिसकी वजह से उसे मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट है कि उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है क्योंकि वो हमेशा बैठे रहता है, कोई एक्टिविटी नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की संभावनाएं रहती हैं। पेट एक बार में साफ नहीं होता, बार बार उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। और सेकंड चीज़ है कि उसे बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड होती है, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। थर्डली उन्हें पसंद होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड और स्टिमुलेटिंग फूड, मतलब कि जो उसको उत्तेजित कर सके, जैसे कि टी कॉफ़ी या अल्कोहलिक बीवरेजेस हो सकती हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और लहसुन प्याज वाला खाना हो सकता है। पेशेंट होते हैं इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन इनको भी कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि इनकी बात को काटना बिल्कुल भी किसी भी हालत में पसंद नहीं होता, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी पर्सनैलिटी इससे मैच करती है और तीनों पॉइंट मैच करते हैं इससे, जैसे कि सबसे पहला था सीडेंट्री हैबिट्स, सेकंड कॉन्स्टिपेशन, थर्ड है आपको ये ईटिंग हैबिट्स, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसको दोस्तों आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, मॉर्निंग और इवनिंग आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको 1 week में ही अपने अंदर चेंजेस दिखने लगेंगे और आप लाइट फील करने लगेंगे। मेडिसिन है एंटीम फ्लू। दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये बच्चों पे बहुत अच्छा सूट करती है, इरिटेबल होते हैं, क्रॉस होते हैं, उन्हें कोई देखे या उनसे बारे में बात करे बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे जितने पानी से नहाना दोस्तों बिल्कुल पसंद नहीं होता और एसिडिक चीज़ें जैसे कि पिकल्स हैं ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। उसकी उनकी टंग जो है हमेशा वाइट कोटेड रहती है और पेट हमेशा ही खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा। तो यदि ऐसा बच्चा है तो उसे आप 30 पोटेंसी में इसे दे सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग 2 ड्रॉप्स उसकी टंग पे, तो आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी और फिर जो मेंटली है पेशेंट को काम डाउन करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलाका।
जो होम्योपैथी को नहीं भी जानते वो मोटापा कम करने के लिए फाइटोलोका को जानते हैं। ये बॉडी पे चार तरीके से काम करती है। पहली, आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है। सेकेंडली, जो मेंटेन करने में हेल्प करती है आपका नॉर्मल हंगर पैटर्न, यानी कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करने देती, बॉडी के पीएच को भी बैलेंस करती है। और लास्टली, रेगुलेट करती है बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को। तो दोस्तों, ये चार तरह से आपकी बॉडी पे काम करती है और चारों ही एक्शन का परिणाम होता है वो वेट को कम करना। तो आप ये मेडिसिन कर सकते हैं मदर टिंचर के फॉर्म में। इसकी आपको 10 ड्रॉप्स लेनी है, हाफ कप ऑफ वाटर में मिक्स कर लेना है इसे 10 ड्रॉप्स डाल के, और इसे खाने के आधे घंटे बाद आप यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आप लेंगे तो आप देखेंगे अपने अंदर विजिबल रिजल्ट्स। तो इसे कम से कम आप एक हफ्ते तक लीजिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये आपकी बॉडी पे क्या असर डाल सकती है। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों, फिकस वेसिकुलरिस। तो दोस्तों, ये भी वेट लॉस में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। थायराइड की समस्या है और उनका जो वेट है बढ़ गया है, तो ये जो मेडिसिन है ये उनके थायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन करती है और वेट लॉस करने में मदद करती है। तो दोस्तों, यदि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसकी आपको 10 बूंदे आधा कप पानी में मिक्स करना है और दिन में 3 बार यूज़ करनी है खाने के आधे घंटे बाद। तो ये मुख्य मेडिसिन थी जो मैंने इसमें डिस्कस करी है इस वीडियो में। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो एक पर्टिकुलर बॉडी को सूट करती है। इसमें से कोई मेडिसिन मिल गई है जो कि आपको सूट करती है तो वेल एंड गुड। और यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपकी प्रॉब्लम अनसॉल्व है, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मैसेज के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है और आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी हिट कर देंगे। और कोई क्वेरी है या कोई डाउट है आपके मन में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।